हेलो, हाउ आर यू। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे इग्नू की बीएड काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। तो जिन लोगों ने इग्नू का बीएड का एंट्रेंस दिया था, अगर अभी तक आपने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है, तो आइए देखते हैं किस तरह से रिजल्ट चेक करते हैं, और इसके बाद काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम हैं अभी इग्नू की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे, और आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। यहाँ पे आप देखिए, अलर्ट्स के अंदर इग्नू अनाउंसेस रिजल्ट ऑफ बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर 2018 सेशन। आप यहाँ पे जाके इसे क्लिक करें, और इसके बाद आपका जो एनरोलमेंट नंबर है उसे आप यहाँ पे टाइप कीजिए और देन सबमिट कीजिए, तो आपका जो भी रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जब रिजल्ट डिस्प्ले होगा तो वहाँ पे नीचे लिखा रहेगा कि आपकी जो बीएड की काउंसलिंग है वो किस रीजनल सेंटर में होगी, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं आप वो यहाँ से भी देख सकते हैं। क्लिक हियर फॉर रिक्वायर्ड काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स। तो हम आपको डिटेल में अपने इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आपको काउंसलिंग में जाना है। सबसे पहले तो ये कि जो लोग एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाइड हो गए हैं और मेरिट के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल हैं काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, तो उन्हें सूचना कब मिलेगी। आपके मन में भी यह बार बार विचार आ रहा होगा कि कब हमें सूचना मिलेगी, काउंसलिंग में हमें उपस्थित होना है, कहाँ उपस्थित होना है और कब आपकी काउंसलिंग होगी। तो अभी देखिए, जो संभावित इसके बारे में तिथि है वो फरवरी महीने में आपके पास लेटर आ जाएंगे। जो भी आपका काउंसलिंग का सेंटर है, नोडल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे काउंसलिंग होती है, और कई रीजनल सेंटरों के स्टूडेंट बुलाए जाते हैं एक पर्टिकुलर नोडल सेंटर पे। तो आप ये मान के चलें कि जो फरवरी का महीना है, इस महीने में आपको हर हाल में काउंसलिंग के लिए लेटर मिल जाएगा। इसके बाद जो काउंसलिंग की तिथि है वो कब होगी, तो ये जो अभी संभावित जो डेट है वो आप ये मान के चलें कि मार्च महीने के फर्स्ट वीक में संभावना है काउंसलिंग होने की। आपको जो लेटर मिलेगा उसमें बाकायदे ये सब चीज़ें लिखी रहेंगी, कब आपको पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ये तो मैं जस्ट फॉर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये सभी एप्लीकेंट्स को लेके जाना है, और आपको एक सेट पूरे फोटो कापीज अटेस्टेड लेके जाना है। जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अगेंस्ट आपको एक सेट पूरा बना के लेके जाना है, अटेस्टेड फोटो कापीज, और ओरिजिनल भी लेके जाना है। चलिए वन बाय वन बात कर लेते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं।
है।